2019 घटीतिला एही हत्याकांड जाजपुर हरिदासपुर पंचायत रे पीओ को हत्या करा जैतिला। सरपंच को स्वामी रूपेश भद्र को गेस्ट हाउस रे हत्या अभियोग थिला। स्मिताराणी विश्वाल को हत्या परे आत्महत्यार रूप दिया जैतिला। घटना दिन स्मिताराणी पंचायत रो विभिन्न प्रकल्प तनखी पाई जाइथिले। मध्याह्न रे रूपेश को गेस्ट हाउस को मध्याह्न भोजन पाई निमंत्रण मिलिथिला। सही ठारे ही योजनाबद्ध भाबे हत्या करा जैतिला। अभियोग होइथिला जे हत्या को आत्महत्यार रूप देबा को चेष्टा करा जाउछि। तेबे पुलिस तरबरिया भाबे शव व्यवच्छेद करी पोड़ी दिया जैतिला। केवल एतिकि नहि एहा पछरे संदेह मध्य बढ़िथिला। घटनारे सरपंच को स्वामी रूपेश भद्रा गिरफ मध्य होइथिले। मोहन माझी को नेतृत्व रे बीजेपी रो टीम घटनास्थल परिदर्शन करिथिला। तेरे संपर्क अधिक सूचना पाई आम प्रतिनिधि अनिल पंडा जोड़ी। अनिल, सेतेबेले स्मिताराणी हत्या घटन मोहन माझी नेतृत्व में एक टीम जाजपुर जाइथिला घटनार जांच करने स्थिति अनुधान से विरोधी दल भाव बीजेपी थी। एवं आप देखते जिते बड़े सरकार रही आईन मंत्री कहते पुणि थे घटनार तदंत हो तो पुणि थे घटन जो मैंने सन्देह थे जो मैंने साक्ष्य प्रमाण थे हुए तो से खोजा जापे पूरा तदंत प्रक्रिया केमती रबद अधिक सूचना आपरे कौन रोच। देखते लिपि 2019 अक्टोबर मसीह जो हरिदासपुर पीओ रही थे स्मिताराणी विश्वाल जिते बड़े हत्या कर समय यही घटना सारा ओडिशा गोटे चर्चार विषय होता जो विधानसभा हुलदुल होता उभय कांग्रेस और बीजेपी राजरास्ता को ओह्लते हैं जाजपुर बंद डाकरा दि जाइए पीओ संघ यहाँ विरोध करते जो तमाम घटना रही नहीं कि समय उभय जो विरोधी दल रही थे कांग्रेस और बीजेपी पक्ष प्रतिनिधि दल जाजपुर गस्तर आसते से समय जो वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहित जो प्रभाती परिडा उपमुख्यमंत्री समस्ते जाजपुर गस्तर आसते से परिवार को केमी न्याय दिजाव गोटे महिला को किपर निर्मम भाव में हत्या कर आत्महत्यार रूप दि जाइए तार केमी तदंत हम समस्ते सीबीआई तदंत दाबी करते कि देखा 4 वर्ष बीतीगला कि जो घटनार रहस्य भी फाइल तले रहीगला जेहेतु तार मुख्य अभियुक्त कहुला तो से हरिदासपुर सरपंच स्वामी रूपेश भद्रा गिरफ कर 7 मास जेल रही थे परवर्त समय से बेल रही समय जी कह पूर्वतर जो से गेस्ट हाउस जो बिवादीय गेस्ट हाउस कथा कहला जोटा को रंगशाला ना दि जाइए से रंगशाला जेहतु सरकारी जमीन में निर्माण कर जिला प्रशासन पक्षर धूलिसात कर तेज से समय जो घटना रही गत काली आईन मंत्री जो सूचना रही सामाजिक गणमाध्यम जरिया स्मिताराणी फाइल रिओपन हम ए तदंत प्रक्रिया बंद रही पूर्व सरकार समय आउ थे तदंत कर दरकार पड़े सीबीआई तदंतपे कारण हूं तो यो घटना घटी ए जड़े अभियुक्त ना अनेक अभियुक्त रही है जो मैंने कि बर्तमान निर्दोष रही कौन सी राय प्रकाश पाईनी से विरुद्ध में निहती भाव कह पाए लिपि ये गोटे चर्चा सृष्टि करती जाजपुर जिला धर्मशाला अंचल चर्चा सृष्टि करती कारण आज गत काली जो बीजेपी प्रतिनिधि मंडली रही ओबीसी सेल मंडली सहित बीजेपी मंडली प्रतिनिधि मंडली आईन मंत्री को भेटी आईन मंत्री सामाजिक गणमाध्यम ने सूचना देते तेज आज अपराह में धर्मशाला गोटे बीजेपी पक्ष गोटे सांबादिक सम्मेलन व्यवस्था कर सूचना मिलूला राकेश नायक ओबीसी मंच संयोजक जोड़ी होती श्रुत नायक आपको स्वागत तो आप देखा मुख्यमंत्री सहित स्मिताराणी हत्या मामला को नहीं कौन आलोचना कर स्मिताराणी केस फाइल को रिओपन करने दाबी प्रदान करते निश्चिंत भाव में यो केस को ठीक से तदंत कर तो श्री तो नायक एते वर्ष अर्थात 4 रु 5 वर्ष यार भितर बीती गला न्याय पाई आप आगुरु कहीं सरकार को पाखे अपील कले एवं कहीं अपील कले देखो सरकार से तो जो सरकार थी से तो आप जानते केते केस एमती है तेना निश्चिंत भाव में ये सरकार परिवर्तन आमे जानी जो बीजेपी सरकार आम आसी निश्चिंत भाव न्याय प्रदान प्रत्येक महिला को दिजो बोली आमर आशा भरोसा अच्छे
ସେତେବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଏ ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯାଜପୁର। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ମ୍ୟାମ, ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭରସା ଅଛି। ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହାର ଭିତରେ 4-5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ସେହି ହିସାବରେ ସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ତ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯଦି ଆମର ଭଲ ଯିଏ ହଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବ। ଏତେ ବର୍ଷ ଘଟଣାକୁ ବିତିଗଲାଣି, ଏବେ ବି ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଭୁଲି ଯିବେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ କାହିଁକି ନେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ, କେହି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅନିଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।